इनके हाथ से कोई मत खाने भी खुद ये मेरे जीजा जी की तरफ खाएंगे बहुत मीठा है वो खिला दीजिए ना गंदी पापा नीचे लाल मत गिरा ना छोटू खंडे वाला है चलो अरे बर्थडे बॉय गए यार पूरा केक गिरा दे अरे गिर जाएगा उसने ऐसे पकाए ले तू गलत पकड़ आइए अब ब्लू काट दिया ब्लू कोई पकड़ रहा है और वो इतना पकड़ रहा है पैर मार रही हूँ और मुझसे आवाज लगा रही हूँ तो मेरी आवाज भी बन जाती लेकिन ये पता है कि कोई चढ़ा है कोई खींच रहा है सब इसको आवाज लगा रही मेरे रीता बिहार के बाद भाई कोई सब अब उठाने की भी कोशिश कर रही फिर उसके बाद मैं जैसे ही मेरी आंखें खुली भक्त से उल्टी कर दी वही की वही ये ओरिजिनल है मतलब उल्टी मेरी रियलिटी में तेरे साथ ये और दोनों के साथ हुआ इस रूम में मैं आई थी दिल्ली से तो मैं मेरे को अभी भी टाइम एग्जैक्ट याद है 11:54 हुआ था रात को मैं सोने गई मैं चुप्पू ऐसे फोन चलाई थी इधर मैं इधर फिर मैं फोन में टाइम देखी 11:54 थे मैं सोची अब सो जाने वाला और जिस रूम में वो लड़की रहती थी वो भैया को नीचे शिफ्ट कर दिया और जिस दिन उनको नीचे शिफ्ट किया है तो यकीन नहीं मानेगी आग लग गई उसमें उसकी फैन से स्टार्ट हुई गलता नहीं रूम एक ही खिड़की सबके ऊपर जाती है उनको वहां से दिख गई सेम लाइन में तो जैसे वो बोली धुआं चल रहा है हम लोग गए जल्दी पहले पूरे भीतर पूरी बिल्डिंग के भीतर और हमें लगा वो लड़के बाहर और भागते हुए नीचे गई जिनको उस मकान मालिक ने देख रेख के लिए रखा था तो जैसे भागते हुए देखी तो जिन भैया जो भैया रूम में रहते हैं वो वहीं थे बाहर तो मेरे को पहले तो शांति मिली मैं बोली आपके रूम में आग लग गई वो उस दिन सो ही नहीं पाई क्योंकि उन्हीं को वो इंसान बार 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 घूम रहा था उनके आस पास ये चुकू दीदी और मुझे तुरंत लेट हो गया हमेशा की तरह बस जा रही हूँ मंदिर मंदिर से आने के बाद मुझे जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ फिर उसके बाद शाम का प्लान क्या है कैसा है वो घर आके देखते हैं फैमिली के साथ तो फिलहाल तो चलते हैं
बताओ तो, नाम तो बताओ किसका बर्थडे। पार्टी जैसे कि मैंने बताया था कि फैमिली के साथ है या नहीं, तो वो अभी डिसाइडेड नहीं है, तो चलो पहले फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं। जो भी होगा पूरे दिन मैं वो दिखाती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ ये आपको इसका। एंड वन मोर थिंग, ये ड्रेस मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट करी है। थैंक यू मम्मा। एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। पहले निशु मैं आउट हो गया। मैं बहुत गंभीर हॉल है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। पहले इसमें दूसरे गेम में पहले आओ ना, मुझे दोबारा मौका, मेरी आज कच्ची लोई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कच्ची लोई नहीं,
जीत गए इस गेम में, तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए। साला बार बार तुम लोग क्या किए हो कि तुम दोनों ही जीत रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। लगाएंगे 1 2 3 में लड़की भट्टी में जाओ। तो हमेशा की तरह हर बर्थडे में मेरे बर्थडे में रिवाज है, कहना क्या चाहते हो? 3 साल से ये चल रहा है, पिछले साल ये जीते और अभी तक खत्म ही नहीं हो पाया है, 3 साल से चल रहा है। और इसमें बस ये है कि जो जल्दी पिया जीता। पर उसको मिलेगा क्या? कुछ नहीं, जो हारेगा वो पैसा देगा। तीनों की दोनों पिछली बार मैं जीती थी, कोई आला था ना? कुछ नहीं, यही होता है। तुमको 10 रुपए की डेयरी मिल गई है, झूठ मत बोल। डेयरी मिल गई थी, डेयरी डेयरी मेरी नाक का एरिया बड़ा, उसमें मैं और पहले जीत जाऊंगी। बात में आ गए, वर्ड आ गए वर्ड से, ये बात अब गलत है। मजा आया। प्राइम मिनिस्टर ए भैया, ये अब यहाँ पे वो चलने गई जंग चिड़ी है, आपसे जंग ले ले ले। कुछ तो जीती, कुछ तो जीती। फोटो शूट चल रहा है, फोटो शूट ही चलता रहा। पकड़ा इनको, ये श्रद्धा लिफ्ट के लिए, लिफ्ट के लिए इसने ये नहीं ये दबाया है। वाओ, दबाओ अभी तक क्यों नहीं आया? तुमको इतना पढ़ाया लिखाया लेकिन तुम गवां की गवां रह गए। पैसे बर्बाद, बर्बाद। एक बात अच्छी से आती है और वो दिखाना चाहती। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देखना चाहते बच्चे बन गए। तो फिर तो हम लोग आ गए घर और दीदी पता नहीं क्या कर रही, क्या कर रही दीदी? ओके, और ये देखिए मेरे पैर सैंडल पहनने के बाद कैसे हो गए। बाप रे, अगर आप चाहते हैं कि आपके पति का भाग्य चमके तो वो पति अपने काम करके चमकाएंगे, मेरे नहाने से नहीं चमकेगा। क्या है शादी के ऐसे तो मैं ऐसा है तो मेरा पति तो तबाह हो जाएगा। मैं तो नहाऊंगी नहीं, कोई बात नहीं। तो सब रेडी हो गए हैं और अभी घर में कटेगा मेरा बर्थडे केक और हम सब जाएंगे बाहर खाने। जैसे कि मैं अभी पार्टी से आई थी, फ्रेंड्स के साथ, अब फैमिली के साथ जा रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा जैसे कि ग्रैंड नहीं है एंड कुछ लोग मिसिंग हैं, उसके वजह से बस केक कटेगा नॉर्मली और फिर हम लोग जाएंगे खाने।
खाने बस, उसके बाद घर आ जाएंगे। एंड उसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग जाते हैं कैसे होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। गुनी हंसी करती है, हंसी करती है। मेरी मम्मी भी रेडी है, इसके आप चाची कुमकुम और अनोखी 10 घंटे से नहीं हो पाई है। सुंदर केक है, बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड। वो वाला चाकू कहाँ है दीदी? पकड़ ले। मम्मी तो आ ही नहीं पाएंगी। ये पक्का डालना ब्लॉग में। ये पक्का डाल। मेरी तरह कल किसने बना, कल किसका बना? मेरे कितने केक कटे? 4। चलो भाई चला जाए, लेट्स गो। तो यहाँ पर शुभानी दीदी और मैं मैसेज में बात कर रही हूँ, अच्छी लिख रही है ना, मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ। नहीं आप भी करते थे। कुछ और भाई चलो लगा और डालो तो अभी भी ये रूम का खत्म नहीं हुआ है। बस यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा था, सब फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। एंड थैंक यू सो मच प्रवेश जीजा जी मेरे बर्थडे में सपना आने के लिए, थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने अमूल की, आधे लोग आ गए ये लोग। तो अभी हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम खाने सभी लोग, और चाची का ऐसा गिफ्ट दिया। थैंक यू। तो आज की जो पार्टी है आइसक्रीम प्लस डिनर की, वो मेरे चाचा की तरफ से है, क्योंकि चाची और मेरा बर्थडे था, मतलब 2 को चाची को 3 का मेरा। तो आज की दोनों पार्टी उन्हीं की तरफ से है। तो चलो आइसक्रीम खाते हैं और फिर घर जाते हैं। मैं अर्पिता के ब्लॉग एंड कर रही हूँ यहाँ पे। हम लोग ने आइसक्रीम वगैरह खा लिया, सब रेडी है, अब घर जाने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अर्पिता मिलेगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।